शिट यार कहाँ पे आके फंस गया मैं। पुलिस वालों ने रोक लिया भाई। ओ भाई खतरनाक, ये पूरा मास ही उखाड़ दिया। हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब? आई होप सब बढ़िया होंगे। तो गाइज आज के ब्लॉग की शुरुआत हो रही है अपने कॉलेज से। तो गाइज कल एक बहुत बड़ा मसला हो गया था। एक्चुअली मेरा एक फ्रेंड है ना, तो उसको ना कुत्ते ने काट लिया भाई, पूरा मांस उखाड़ के लेके आ गया बाहर भाई। इतनी बुरी हालत थी बंदे की यार। रात को हम गए थे पता करने के लिए, पूरा ना मतलब इतना बड़ा सुराख हो गया उसकी टांग में, पूरी ना मतलब हाथ घुस जाता है अंदर। अभी जा रहा हूँ मैं उसी के घर भाई, अगर हो सका तो मैं तुम्हें दिखाऊंगा। तो गाइज ये है कैनाल रोड, यहाँ पे ना अच्छा खासा ट्रैफिक आप लोगों को देखने को मिल जाता है। प्यारी राइड होती है इस सड़क पे भाई। तो गाइज मैंने ग्लव्स वगैरह भी परचेज कर लिए, ये देख सकते हो आप, स्टड्स के ग्लव्स हैं भाई, ठीक है मतलब प्रोटेक्शन वगैरह के लिए। निकलो निकलो अंकल, अंकल जा ही नहीं रहे भाई। दो मेटाडोर खड़ी होगी हमें, आगे पूरी सड़क खाली है यार। ये मेटाडोर वाले भी काफ़ी ज़्यादा जाम लगाते हैं भाई, चलते ही नहीं है यार। वो देखो दोनों आपस में बात कर रहे हैं भाई। ओ भाई खतरनाक, ये देखो भाई पूरी रोड ही खाली थी आगे। जो तुम्हारे स्किल्स होते हैं ना भाई, वो इस जगह पे काम आते हैं। तो कल मुझे एक भाई का कमेंट आया था कि मेरा नाम ना अपने व्लॉग में लेना। तो गाइज यहीं कहीं ऊपर आपको उन भाई का कमेंट मिल रहा होगा, तो जाके उनको सब्सक्राइब कर देना भाई। तो गाइज अभी मैं धीरे धीरे सोच रहा था कि जैकेट वगैरह भी कोई एक ले लूँ अच्छा सा। पता है चक्कर मेन अभी ये होता क्या यार, गर्मी है ना जम्मू में बहुत ज़्यादा, तो उसके कारण ना राइडिंग जैकेट वगैरह लगता नहीं है भाई। तो अभी हमें जाना है भाई यहाँ से सिद्रा। तो काफ़ी सारे लोग मेरे को कमेंट करते हैं भाई, पूछते हैं एंटॉर के बारे में कि हमें कौन सी स्कूटी परचेज करनी चाहिए। देखो यार अगर तुम्हें पावर में चाहिए ना, तो मतलब अच्छी खासी अगर तुम्हें पावर चाहिए, तो आप अप्रीला या एंटॉर की तरफ जा सकते हो आराम से, ठीक है कोई सीन नहीं है। आपको माइलेज वगैरह चाहिए तो उसमें आप फिर एक्टिवा वगैरह ले सकते हो, या और भी जो बाकी वाली स्कूटीज आती है, डीओ वगैरह होगी, होंडा की स्कूटीज ले लो, माइस्ट्रो वगैरह ले लो। इनकी ना मतलब अगर पावर के हिसाब से देखोगे ना, मतलब इतना ज़्यादा टॉर्क और पिकअप नहीं प्रोड्यूस करती जितना एंटॉर्क या अप्रीला करती है। क्योंकि ऐसा नहीं है कि बाकी स्कूटियाँ है ही नहीं अच्छी भाई, एंटॉर्क में ना सिर्फ एक ड्रॉबैक है कि आपको इसमें माइलेज बहुत ही कम देखने को मिलेगी अगर आप कंपेयर करते हो बाकी स्कूटीज के साथ, ठीक है। वो एक मेन रीज़न है जिसकी वजह से ना काफ़ी सारे लड़के लोग जो है वो एंटॉर्क को बाय नहीं करते, ठीक है। अगर एंटॉर्क मार्केट में नहीं ना आई होती, फिर मैं पता किस स्कूटी की तरफ जाता, एक्टिवा की तरफ। A few moments later. तो गाइज कल ना मैं आपको अपना सेटअप दिखाऊंगा कि मैं कौन से सेटअप से शूट करता हूँ, ठीक है, एंड कौन सा कैमरा मैं पहले यूज करता था, और उसके बाद कैसे कैसे GoPro लिया, क्या क्या सिस्टम हुआ, वो सब दिखाऊंगा आप लोगों को भाई। ये बस साइड होने का ना, ओ शिट, ट्रैफिक वाले अंकल देख रहे थे भाई। तो फाइनली गाइस अब पहुंच चुके हैं यहाँ सिद्रा वाली रोड पे। अब मैं ना उम्मीद ये कर रहा हूँ कि भाई मेरे को कोई कुत्ता वगैरह ना पकड़ ले, क्योंकि उसको ना लड़के को उसके घर के बाहर ही काटा था। अब दुआ ये कर रहा हूँ भाई अल्लाह से कि कहीं मेरे को मिल ना जाए रास्ते में भाई, क्या होगा मेरा, मैं तो कुत्ते से बड़ा डरता हूँ यार। पुलिस वालों ने रोक लिया भाई। ओहो शिट यार, एग्जॉस्ट के लिए रोक ना ले। अभी ना मेरा दिल इतना धक धक कर रहा था यार, क्योंकि जब रात को हम पता करने आए थे ना, तो यहाँ पे 3-4 कुत्ते खड़े थे भाई, और ऊपर से स्कूटी में एग्जॉस्ट लगा हुआ। आप सबको पता है भाई एग्जॉस्ट पे कुत्ते कैसे रिएक्ट करते हैं भाई, कुत्ते की तरह पड़ते हैं। मतलब जब घर जा रहे थे ना, तो हमने हाथों में डंडे लिए हुए थे भाई, और यार मतलब डंडे को देख के ऐसे पड़े कुत्ते पीछे भाई, मैं तुम्हें क्या बताऊँ। मैं उसको बोल रहा हूँ भगा भाई भगा भाई, कुत्ता ये साथ चल रहा है भाई। दिन के टाइम इतनी मासूम शक्ल लेके आते हैं कि भाई खाना दे दो ये कर, और रात के टाइम भाई उनका असली रूप सामने आता है। अभी मैं तुम्हें दिखाऊंगा एक चीज़, देखना। रात को ना हमने यहाँ से पेड़ एक तोड़ा था, ये देखो हमने ये पेड़ तोड़ा था, और उसके हमने डंडे वगैरह निकाले थे क्योंकि हमें घर जाना था ना वापस। अल्लाह के भरोसे चलते हैं यहाँ से भाई। ये अल्लाह मेरी हिफाजत करना। आंटी तो मिले, ये देखो आंटी ने भी हाथ में डंडे लिए हैं भाई। ये पूरा मांस ही उखाड़ दिया इधर से, ओहो इधर से हाथ खाया, मुंह खाने लगा था, हाथ रखा ना आगे, ओहो। क्या बात है यार, ये कौन सी गाड़ी है भाई, MG हेक्टर भाई। जब ये नई नई आई थी ना, काफ़ी मतलब इसकी मार्केटिंग हुई थी MG हेक्टर की। ओ भाई एक ही दम मौसम चेंज हो गया भाई,
क्या बात है यार, देख रहे हो सड़क इधर गिल्ली है भाई और पीछे सूखी भी है, ये क्या सीन है भाई। तो अभी ना हम ज़्यादा भगाते नहीं है क्योंकि सड़क गीली हो चुकी है ना, तो उसके कारण टायर के स्लिप होने के काफ़ी ज़्यादा चांसेस है भाई। यार इतना जाम लग गया आगे भाई, शिट यार कहाँ पे आके फंस गया मैं। इतना जाम था भाई यहाँ पे, वो ये गाड़ी देख रहे हो भाई आगे से हेडलाइट ही उड़ गई है भाई इसकी। यार निकल क्यों नहीं रहे बंदे यार ये आगे, ऐसे यार खड़े रहते जाम लगाते यार। तो गाइस मैं सोच रहा हूँ कि अपना ना एक प्रॉपर टाइम रख दूँ, उसी टाइम पे ना अपनी वीडियोस वगैरह अपलोड किया करूँ, क्योंकि ऐसे एक प्रॉपर टाइम नहीं है ना, कभी मैं 8 बजे करता हूँ, कभी 12 बजे, कभी 4 बजे, ठीक है। तो अब एक प्रॉपर टाइम सेट करेंगे, ठीक है, उस प्रॉपर टाइम पे ना वीडियो अपलोड किया करेंगे। ओ भाई क्या बात है। तो गाइस कल ना मैं अपना ऑडियंस रिटेंशन चेक कर रहा था, और जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे होगे यार, तो गाइज कितने सारे लोग हैं जो मेरी वीडियोस को देखते हैं और सब्सक्राइब नहीं करते यार। तो गाइज अगर वीडियो वगैरह देखते हो तो मेक श्योर कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो यार, उससे हमें मतलब आपका सपोर्ट मिलेगा यार, क्योंकि आपके सपोर्ट के बिना भाई मैं कुछ नहीं हूँ यार, समझ रहे हो ना। और बेल नोटिफिकेशन ना ऑन कर दो, उससे ये होगा कि जैसे मैं अपनी वीडियो कभी अपलोड करूंगा ना, तो सबसे पहले नोटिफिकेशन जो है आप लोगों को मिलेगी। गाइस व्लॉग को ना अपने दोस्तों के साथ शेयर किया करो, ठीक है। तो मिलते हैं गाइस फिर आपको एक अच्छी सी नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। तो अपना सपोर्ट ऐसे बनाए रखो, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर, खुदा हाफिज़।